और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए से लगाएंगे। जो जमीन छूना है और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। एक बार फिर इस आसन को दोहराएंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। डॉक्टर अभिषेक, केंद्रीय कारागार में मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ। हमारे साथ हैं कुंज बिहारी सिंह जी, यहाँ पर उपकारापाल हैं, और आज बड़े ही उत्साह के साथ हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 5वां साल मनाया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सभी इसमें लगे हुए हैं। कारागार सिर्फ कारागार नहीं है, बंदी सुधार गृह है, और बाह्य सुधार से ज़्यादा आवश्यक आंतरिक सुधार है। जब पूरा देश और पूरी दुनिया निकल पड़ी है इस रास्ते पर, तो हमारे कारागार के बंदी जन भी जो है योग के साथ अपने आंतरिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं, और इसमें कारागार प्रशासन और चिकित्सालय सभी लोग लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि योग अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सदी में, जो कि करीब 180 देशों द्वारा अपनाया गया है। शायद योग ही एक ऐसी चीज़ है जो इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर भारत के एक ज्ञान के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज, किसके किनके द्वारा इनको योग जो ट्रेंड किया जा रहा है, पर ट्रेनिंग दी जा रही है, योग की योग सिखाया जा रहा है, किसके द्वारा? आज का यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से बंदी जन ही बंदी जन के लिए करा रहे हैं। हम सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये एक खासियत है आज के कार्यक्रम की कि कोई भी बाह्य व्यक्ति इनको निर्देश देने के लिए आज नहीं आया है, ये स्वयं ट्रेन किए गए हैं। हाँ, पूर्व में इसके लिए BHU से हमने ट्रेनर बुलाया था और उन्होंने इन्हें 8 दिन की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन आज यह स्वनिर्भर कार्यक्रम है। क्या अब सभी भाई कमान भरती क्रिया क्या कमान सीधी है, कुछ लोग झुक जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको एक उत्सव के रूप में हम लोग करा रहे हैं आज यहाँ पे। अन्यथा प्रतिदिन योग का ये अभ्यास करते हैं और स्वयं भी करते हैं। आज किन के द्वारा इनको बंदी ही हैं हमारे जो इनको गाइड कर रहे हैं, और वो योग के जानकार हैं, कई बंदी योग के जानकार हैं, उसमें से एक ये भी हैं जो करा रहे हैं। सर, क्या लगता है निरंतर योग कराने से कितना लाभ बंदियों को मिल रहा है, और क्या कहना चाहेंगे सर, मैसेज क्या रहेगा? योग हमारी परंपरा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन दिया गया है। 5 वर्ष हो गया आज, और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रहते हैं। बंदियों को इसकी आवश्यकता है, वो इनको प्रदान हो रहा है, ये स्वयं कर रहे हैं।